इसराइल लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहा है। इस दौरान आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह की हत्या कर दी थी। इसके बाद हाशिम सफेदीन को हिजबुल्लाह का चीफ बनाया गया था, लेकिन एक एयर स्ट्राइक में इसराइल ने हाशिम सफेदीन को मार गिराया था। अब हिजबुल्लाह चीफ को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। इसराइल को आंख दिखाने वाले हिजबुल्लाह को हसन नसरल्लाह का उत्तराधिकारी मिल गया है। जी हां, ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह ने डिप्टी सेक्रेटरी जनरल शेख नईम कासिम को अपना नया चीफ चुना है। हिजबुल्लाह ने मंगलवार को ऐलान किया कि उसने हसन नसरल्लाह की मौत के बाद नईम कासिम को अपना नया नेता चुना है। जब से इजरायली हमले में नसरल्लाह गया, तब से नईम कासिम ही संगठन के कार्यवाहक प्रमुख के तौर पर काम कर रहा था। हसन नसरल्लाह 27 सितंबर को बेरूत में इजरायली हवाई हमले में मारा गया था। हिजबुल्लाह ने एक बयान जारी कर बताया कि उसकी शूरा काउंसिल ने महासचिव चुनने के अपने स्थापित तंत्र के तहत नईम कासिम को नया प्रमुख चुना है। नसरल्लाह की तरह कासिम भी शिया राजनीतिक दल और सशस्त्र समूह के संस्थापक सदस्यों में से एक है। उसकी नियुक्ति ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह के लिए ऐसे नाजुक समय पर हुई है जब इजरायली सेना ने अपने हमलों से उसे हिला करके रख दिया है। कासिम पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है। अमेरिका समेत पश्चिम के कई देश हिजबुल्लाह को एक आतंकवादी समूह मानते हैं। अब जान लेते हैं कि आखिर कौन है हिजबुल्लाह का नया चीफ कासिम। नईम कासिम का जन्म दक्षिणी लेबनान के कफर फिला शहर में हुआ था। अब जान लेते हैं आखिर कौन है हिजबुल्लाह का नया चीफ कासिम। नईम कासिम का जन्म दक्षिणी लेबनान के कफर फिला शहर में हुआ था। उसने लेबनानी विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान की पढ़ाई की और उसके बाद कई सालों तक रसायन विज्ञान के शिक्षक के रूप में काम किया। इस दौरान उसने धार्मिक अध्ययन भी जारी रखा। उसने लेबनानी यूनियन फॉर मुस्लिम स्टूडेंट्स की स्थापना में भाग लिया। ये संगठन छात्रों के बीच धार्मिक पालन को बढ़ावा देने का काम करता है। अब सवाल उठता है कि नईम कासिम हिजबुल्लाह में कैसे आया। 1970 के दशक में नईम कासिम मूवमेंट ऑफ द डिसपोसेस्ड में शामिल हो गया। ये एक राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना इमाम मूसा सदर ने की थी। इसका मकसद लेबनान के ऐतिहासिक रूप से उपेक्षित और गरीब शिया समुदाय के लिए अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व पर जोर देना था। ये संगठन बाद में अमल आंदोलन में बदल गया, जो लेबनान के गृह युद्ध के दौरान मुख्य सशस्त्र समूहों में से एक था और अब एक शक्तिशाली राजनीतिक दल है। इसके बाद कासिम ईरान के समर्थन से बनाए गए नए हिजबुल्लाह में शामिल हो गया। हिजबुल्लाह 1982 में इसराइल की मदद से लेबनान पर आक्रमण और देश के दक्षिणी क्षेत्र पर कब्जे के बाद बना था। 1991 से उसने हिजबुल्लाह के उप सचिव के रूप में काम किया। अब एक सवाल ये भी उठता है कि नईम कासिम को आखिर हिजबुल्लाह का चीफ क्यों चुना गया। हिजबुल्लाह ने एक बयान में कहा कि कासिम को संगठन के सिद्धांतों और उद्देश्यों का पालन करने के उनके उत्साह के लिए चुना गया है। नईम को आमतौर पर हिजबुल्लाह में नंबर दो का नेता माना जाता है। वह 1980 के दशक की शुरुआत से ही हिजबुल्लाह की स्थापना करने वालों में शामिल था। यानी कि नईम कासिम बहुत पुराना सदस्य है हिजबुल्लाह का। स्थापना जब हुई थी संगठन की, तभी से वो इस संगठन से जुड़ा हुआ है और नसरल्लाह के मारे जाने के बाद अब नईम कासिम हिजबुल्लाह की कमान संभालेगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।